दोस्तों आज की वीडियो में धमाकेदार टक्कर होने वाली है ट्राइबल चीफ रोमर रेस और देसी गाय और बॉलीवुड सनी देओल के बीच। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोमर रेस और सनी देओल में से कौन है रियल में ज्यादा स्ट्रांग। बट आप अपने फेवरेट सुपरस्टार को वोट करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करो रोमन रेस। अगर आप रोमन रेस की साइड हो या सनी देओल अगर आप सनी देओल की साइड हो। और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चल पाए के रोमन रेस और सनी देओल में से कौन है रियल में बाहुबली। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों रोमन रेस की हाइट 6 फीट 3 इंच है और उनका वेट 120 किलो है और रोमन रेस के बाइसेप का साइज 20 इंच है, यानी रोमन रेस सनी देओल से बहुत हट्टे कट्टे बंदे। आप सनी देओल की हाइट 5 फीट 8 इंच है और उनका वेट 80 किलो है एंड सनी देओल के बाइसेप का साइज 16 इंच है। अब गाइस बॉडी बिल्डिंग में एक रूल होता है कि साइज में ज्यादा बड़ा दिखने वाला बंदा ज्यादा वेट उठा सकता है। अब ये रूल 100% एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा लगता है कि रोमर रेस सनी देओल से ज्यादा वेट उठा सकते। और अगर हम सनी देओल की बॉडी फिजिक्स को देखें तो उनकी बॉडी किसी कुश्ती पहलवान जैसी है, मतलब फैट लेवल ना बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा। और सनी देओल के जिम रिकॉर्ड्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम सनी देओल की पावर को थोड़ा जनरलाइज वे में देखें तो एक आम इंडियन आदमी जिसकी बॉडी फिजिक्स इतनी अच्छी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब बात करें रोमन रेस की तो रोमन रेस के मैक्स बेंच प्रेस रिकॉर्ड 445 पाउंड यानी 201 किलो है। वही रोमन रेस 600 पाउंड यानी 272 किलो वेट के साथ स्क्वाड भी कर चुके। और जो बंदा 272 किलो का वेट उठा सकता है वो कितना खतरनाक हो सकता है ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। अब गाइस जैसे हम सबको पता है कि रोमन रेस एक रेसलर भी है एंड रोमन रेस ने उनके रेसलिंग करियर में ऐसे कुछ मूवमेंट्स भी दिए जिसे देखने के बाद मुंह से ओ भाई साहब निकल जाता है। जैसे 110 किलो के जॉन सेना को वन आर्म सीटेड पावर बम लगाना, मतलब जॉन सेना को एक हाथ से ऊपर उठाकर सीटेड पावर बम लगाना कोई मजाक की बात नहीं है। इसके अलावा 170 किलो के ब्राउन स्ट्रोमन को समोवा ड्रॉप लगाना और इससे भी बढ़कर 400 पाउंड वेट वाले वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मार्क हेनरी को समोवा ड्रॉप लगाने जैसे कारनामे रोमन रेस कर चुके। यानी आप रोमन रेस की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। आप रोमन रेस और सनी देओल में से कौन है रियल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उस बारे में डिस्कस करने से पहले बिग शाउट आउट टू अजय बलूरे एंड डीजे राहुल कुमार, सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो, बट आप सभी को बिग शाउट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड चलिए जानते हैं अभी के टाइम सनी देओल और रोमन रेस दोनों में से कौन है ज्यादा स्ट्रांग। सो गाइस सनी देओल को लेकर प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, सो बिना किसी डेटा के सनी देओल और रोमन रेस का कंपैरिजन करना काफी अनफेयर हो जाएगा। बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा फैक्टर है जिससे सनी देओल और रोमन रेस की ताकत का कंपैरिजन हो सकता है। आप देखो गाइस सनी देओल की है 66 ईयर से और रोमन रेस की है 37 ईयर से, यानी रोमन रेस उनके करियर के एकदम पीक पे और सनी पाजी अब बूढ़े हो चुके। एंड विदाउट एक्सेप्शनल केसेस एक 66 साल का बंदा एक 37 साल के बंदे से स्ट्रांग कभी नहीं हो सकता। अब मैंने तो अपना पॉइंट रख दिया, लेकिन आपको क्या लगता है क्या सनी पाजी ज्यादा स्ट्रांग है या रोमन रेस? और अभी के टाइम रोमन रेस और सनी देओल के बीच फाइट हुई तो कौन जीतेगा कमेंट करके जरूर बताना। सो बस आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।